सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है, जिसमें एक पद्मश्री अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र लोहिया को भी मिला है। पद्मश्री अवार्ड पाने वाले सत्येंद्र लोहिया वैसे तो भिंड जिले के रहने वाले हैं, लेकिन लोहिया का इंदौर से भी बेहद खास जुड़ाव है। इसी के चलते इंदौर आए लोहिया को सम्मानित किया गया है, जहाँ आईडिया अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा की ओर से किए गए सम्मान से लोहिया खुश नजर आए। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर विकास प्राधिकरण की ओर से तैयार किए गए स्विमिंग पूल पर अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र लोहिया को सम्मानित किया गया। इस दौरान इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा समेत तमाम जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा ने सत्येंद्र लोहिया के जज्बे की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान में लोहिया इंदौर में निवासरत है और GST में कार्यरत है। इंदौर विकास प्राधिकरण के जिस स्विमिंग पूल पर लोहिया को सम्मानित किया गया, उस पुल पर लोहिया रोजाना प्रैक्टिस के लिए आते हैं। हमारे लिए खुशी की बात है कि जो इस स्विमिंग पूल पर अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान से उन सभी दिव्यांग बंधुओं को प्रेरणा मिलेगी, जो अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर जीवन की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमने सत्येंद्र लोहिया जी को यहाँ आमंत्रित किया था, स्विमिंग पूल पर उनका अभी सम्मान किया शाल श्रीफल देकर के। हम सबके लिए ये बहुत ही गौरव की बात है, मध्य प्रदेश के लिए, मुख्य रूप से मुरैना के लिए, जहाँ के आप निवासी हैं और वर्तमान में चूंकि वो इंदौर में निवास कर रहे हैं और GST में विभाग में कार्यरत है। और इससे भी बड़े गौरव की बात है कि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित यह स्विमिंग पूल में आज आपका सम्मान किया। तो आप रोज अभ्यास करना यहीं पर आते हैं, तो हमको सबको खुशी है, इस बात की और बढ़ जाती है कि अपने इस स्विमिंग पूल में अभ्यास कर रहे हैं और उनको पद्मश्री के लिए 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर जब उनका घोषणा हुई, तभी से हमको लग रहा था कि जैसे ही आपका समय मिलेगा वैसे आपका सम्मान करेंगे। आज वो समय था जब हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया, आपका सम्मान किया। मैं चाहता हूँ कि आपकी ये प्रतिभा और ये सम्मान के माध्यम से ऐसे अनेक सैकड़ों दिव्यांग बंधु है जो अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर जीवन की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उनको इससे प्रेरणा मिलेगी। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विचार है कि जीवन के जो रियल हीरो है वो सामने आना चाहिए, वास्तविक हीरो सामने आना चाहिए, ये पद्मश्री पद्मभूषण की परिभाषा उन्होंने बदल दी है, ये हमारे सामने दिखाई दे रहा है। और मैं इस बात के लिए आभार भी व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उनकी सोच यहाँ तक आप तक पहुँची। और फिर से मैं एक बार और माननीय सत्येंद्र जी को बधाई देता हूँ और मैं आपसे निवेदन भी करता हूँ आपके माध्यम से कि सत्येंद्र जी सदैव यहाँ आते रहें। आने वाले जो बच्चे हैं, जो स्विमर है, जो तैरना में कई प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, उनको आपका मार्गदर्शन मिले ताकि इंदौर की प्रतिभा और स्थानों पर जाकर के नाम कमा सके, इंदौर शहर का नाम कर सके, प्रदेश का नाम कर सके। पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामना भैया, ऐसे ही जीवन में आप उपलब्धि आपको मिलती रहे और आपके कारण से सैकड़ों हजारों हजार जो दिव्यांग बंधु हैं जिनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी। आपके जीवन के बारे में भी मैंने पता किया, बहुत विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए आज यहाँ पर पहुँचे हैं और इस संघर्ष का ही परिणाम है कि आपको ये उपलब्धि मिली है। मैं पुनः आपको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र लोहिया ने कहा कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने सिर्फ मुझे ही सम्मानित नहीं किया, एक सोच को सम्मानित किया, एक डेडिकेशन को सम्मानित किया है। इस सम्मान से यह साबित होता है कि चाहे दिव्यांग हो या शारीरिक रूप से स्वस्थ, अगर वो जीवन की विपरीत परिस्थितियों से निकल कर आगे बढ़ेगा तो इसी तरीके से सम्मान का पात्र होता है। पहले तो मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि आज जिस जगह व्यक्ति अगर संघर्ष के जीवन बीते, जिस जगह प्रैक्टिस करे, जिस जगह कहे, अगर वहाँ पर व्यक्ति का सम्मान हो, जैसा कि मतलब इंदौर विकास प्राधिकरण के आदरणीय चेयरमैन सर ने मेरे को सम्मानित किया, ये मेरे को ही सम्मानित नहीं किया, एक सोच को सम्मानित किया, एक डेडिकेशन को सम्मानित किया, एक जज्बे को सम्मानित किया, एक जुनून को सम्मानित किया है,
जिन लोगों पर लोग विश्वास नहीं करते हैं उन्हें सहानुभूति की नज़र से देखते हैं। मैं समझता हूँ ये उस सोच को भी सम्मानित इस वजह से किया है कि लोग जब दिव्यांग कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उनसे ये कहा जाता है ये कुछ काम के नहीं है, ये जीवन में रोटी यापन किस तरीके से करेंगे प्रश्न लगा जाता है। इस सम्मान से ये साबित होता है कि चाहे दिव्यांग हो या शारीरिक रूप से स्वस्थ, अगर वो जीवन की विपरीत परिस्थितियों से निकल कर वो आगे बढ़ेगा तो इसी तरीके से सम्मान का पात्र होता है। और एक तरह से सम्मान से जब किसी भी व्यक्ति का सम्मान प्रोत्साहन मिलता है तो वो जीवन में व्यक्ति आगे बढ़ने जिस तरीके से एक पौधा लगता है तो उसको काफ़ी साल पहले सींचा जाता है तब कहीं फल देता है, इसी प्रकार के जब सम्मान मिलते हैं तो कोई भी प्रतिभा हो उसको मोटिवेशन मिलता है प्रोत्साहन मिलता है और तब कहीं जाकर वो सफल होता है। निवेदन क्या है, मैं तो इसका आदेश मानता हूँ, कितना भी बड़ा मतलब मैं समझता हूँ प्रतिभा मिल जाए उसके बाद ही सिंपल सिटी, कोई आदेश नहीं है, मैं तो इसको मतलब कोई निवेदन नहीं, मैं तो आदेश मानता हूँ बड़े लोगों को हमेशा मतलब एक उनका आदेश ने मतलब उनका मतलब एक तो आदेश होता है ना कि वो निवेदन होता है, तो मैं तो उनका जो आदेश है मैं समझता हूँ कि मेरे कार्य से अगर मेरे जो प्रतिभा जो भी संघर्ष किया अगर मैं अपने दूसरों के जीवन में भी कुछ कर सकूं तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। जिस प्रकार कहते हैं कदम ऐसा चलो निशान बन जाए, कार ऐसा करो पहचान बन जाए, जिंदगी सभी जी लेते हैं, जिंदगी ऐसी बनो जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए, जब किसी कार्य शरीर के जब अपने प्रयासों से दूसरों का जीवन सफल हो सके तो मैं समझता हूँ कि मेरा जीवन सफल होगा। और मैं समझता हूँ कि मैं अगर इस श्रोता दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि अगर मैं सक्सेस इन विपरीत परिस्थितियों में हो सकता हूँ तो हर व्यक्ति सक्सेस हो सकता है, बशर्ते अपने आप को कभी कमजोर न समझे। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है जिसमें एक पद्मश्री अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र लोहिया को भी मिला है। पद्मश्री अवार्ड पाने वाले सत्येंद्र लोहिया वैसे तो भिंड जिले के रहने वाले हैं लेकिन लोहिया का इंदौर से भी बेहद खास जुड़ाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।